गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट चैप्टर सेकेंड ऑफ इंग्लिश लिटरेचर। चैप्टर नेम इज टू लेग्स और फोर। दिस वीडियो इज पार्ट फर्स्ट ऑफ दिस चैप्टर। व्हेन द फैमिली ब्रॉट अ न्यू पप्पी होम, जब एक परिवार में एक नया पप्पी होम लेकर लाए, मम सेड, मम्मी ने कहा, नाउ वी मस्ट चूज अ नेम फॉर द पप्पी, अब हमें इस पप्पी के लिए नया नाम चुनना चाहिए। They all stood round staring at the pup. वे सभी पप के चारों ओर खड़े हुए थे और उसे लगातार घूर रहे थे, उस पपी जो था उसे देख रहे थे। It had droopy ears and a rather long feathery tail, और इसके लंबे लंबे कान थे और जो उसकी टैल थी वो फैदरी थी, फैदरी मतलब पंखनुमा। No one knew quite, किसी ने बिल्कुल भी नहीं जाना, What sort of dog it was, कि जो डॉग है वो कितना छोटा है। Come on, said dad. डैड ने कहा, आओ। What shall we call him, Mandy? हमें उसे क्या बुलाना चाहिए, हम उसको क्या बुलाएंगे। Mandy, मैंडी ने कहा। Who was six, nearly seven, जो कि 6 साल की थी या फिर 7 के आसपास। Said Jeremy. जेरेमी, वाई जेरेमी, मतलब जो उसकी बेटी थी मैंडी, जो कि कितने साल की थी, 6 या 7 के आसपास थी, उसने क्या बोला कि हमें इसे क्या बुलाना चाहिए, जेरेमी। वाई जेरेमी, जेरेमी क्यों। आफ्टर जेरेमी फिशर, जेरेमी फिशर के बाद, वी रीड अबाउट हिम इन स्कूल टुडे, हमने आज स्कूल में इसके बारे में पढ़ा, बट ही वॉज अ फ्रॉग, ये वह तो एक फ्रॉग था, नॉट अ डॉग, डॉग नहीं था। आई डिड लाइक टू कॉल हिम टॉबलर वन, मैं उसे टॉबलर वन बुलाऊंगी, मतलब टॉबलर वन बुलाना पसंद करूंगी। सेड पॉली, पॉली ने कहा, पॉली भी उनकी एक दूसरी बेटी थी जिसका नाम, जो कि कितने साल की थी, हु वाज 5, जो 5 साल की थी। वाई टॉबलर वन, टॉबलर वन क्यों। Because he is sort of chocolate colored and that's my favorite. क्योंकि ये जो टॉबलर वन है वो एक चॉकलेट कलर्ड का एक प्रकार है, that's my favorite, जो कि मेरी फेवरेट है। The trouble with names like Jeremy and टॉबलर वन is that they are too long, said dad. तो डैड ने कहा कि जो जेरेमी और टॉबलर वन नेम हैं वो उसके लिए थोड़ा कठिन होगा, ये क्या है, ये थोड़े लंबे हैं, मतलब बड़े हैं ये नेम। अ डॉग शुड रियली हैव अ शॉर्ट नेम, जो डॉग है उसको चाहिए कैसा नेम चाहिए, बहुत ही छोटा नेम होना चाहिए। इट्स ईजियर फॉर हिम टू लर्न एंड फॉर अस टू से, जो कि उसके सीखने के लिए भी ईजी हो और हमारे बोलने में भी आसान हो। आई नो, सेड बेन, बेन ने कहा, बेन वाज 3, जो बैन था वो कितने साल का था, 3 साल का था। वॉट, क्या, दे ऑल सेड, उन सभी ने कहा, वी कुड कॉल हिम बैन, वी कुड कॉल हिम बैन, शेड बैन, अब जो हम उसे क्या बुलाएंगे, हम उसे बैन बुला सकेंगे, बैन बुलाएंगे। बैन ने कहा, तो जो बैन था कितने साल का था, 3 साल का था ओनली, वो बेटा था, तो वो बोलता है कि हम उसे बैन बुलाएंगे, और उसका भी नाम बैन था। बट दैट्स योर नेम टू, दे ऑल क्राइड, वे सभी चिल्लाए, लेकिन यह तो तुम्हारा भी नाम है। आई नो, मुझे पता है, बट इट्स शॉर्ट, लेकिन यह बहुत छोटा है। डेसली, क्या क्या बात कर रहे हो, सेड मैंडी, मैंडी ने कहा, आई शैल कॉल हिम जेरेमी, मैं उसे जेरेमी बुलाऊंगी। एंड सी वॉकड आउट ऑफ द रूम कॉलिंग कम अलॉन्ग जेरेमी, तो वो क्या करती है, वो रूम के बाहर जाती है और उसको बुलाती है, पुकारती है, मेरे पास आओ जेरेमी। बट द पप्पी टुक नो नोटिस, जो पप्पी था वो उसने नोटिस नहीं किया। देन पॉली, पॉली वॉकड आउट टू कॉलिंग, और पॉली भी बाहर गई और वो बुला रही थी, टॉबलर वन कम अलॉन्ग, टॉबलर वन, टॉबलर वन आओ मेरे पास आओ। बट द पप्पी स्टिल टुक नो नोटिस, लेकिन जो पप्पी था उसने फिर भी नोटिस नहीं किया।
इट स्टेड सिटिंग इन फ्रंट ऑफ द स्मॉल बॉय, वह वहीं छोटा सा जो बच्चा था उसी के सामने बैठा रहा। रैगिंग इट्स रैदर लॉन्ग फेदरी टैल, और वह जो अपनी पंखनुमा जो टैल थी उसकी पूंछ थी उसको हिला रहा था। इन सम वेज दे वर रैदर लाइक, जैसे कि वह क्या था पसंद करता था, क्योंकि वो दोनों दिखने में लगभग सेम थे। बोथ हैड ब्राउन हेयर, दोनों के जो हेयर्स थे वो ब्राउन थे। एंड शॉर्ट लेग्स, और छोटे छोटे पैर थे। एंड वर रैदर फैट, बल्कि थोड़े थोड़े मोटे भी थे, मतलब गोलू गोलू से थे दोनों। यू ट्राई गोइंग आउट ऑफ द रूम वैन, सेड डैड। डैड ने कहा तुम रूम के बाहर जाओ और कोशिश करो। एंड यू कॉल द पप्पी, और पप्पी को बुलाओ, सेड डैड, डैड ने कहा। एंड यू कॉल द पप्पी, सेड मम, तुम पप्पी बुलाना, सेड मम, मम ने कहा। एंड सी व्हाट हैपन, दे सेड, और देखते हैं क्या होता है, उन सभी ने कहा तुम भी बाहर जाओ और पप्पी को बुलाओ, किससे, बैन से, कि वो देखते हैं क्या होता है। दे स्माइल्ड एट वन अनदर, उन्होंने एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल किया। नथिंग वुड हैपन, कुछ नहीं हुआ, नथिंग वुड हैपन, कुछ नहीं होगा। वे एक दूसरे की तरफ स्माइल करते हैं क्योंकि उन्हें पता था जो दोनों बेटियां थी उनकी, तो वो जाती हैं तो उसको बुलाती हैं दो नाम से, जेरेमी और टॉबलर वन के नाम से, तो वो आता नहीं है, तो बेटे से ही बोलते हैं कि तुम भी जाओ और क्या करना, इसको बुलाने की कोशिश करो, देखते हैं क्या होता है, वो आता है नहीं आता। दे स्माइल, वे सभी एक दूसरे की तरफ देख के स्माइल करते हैं। नथिंग वुड हैपन, कुछ नहीं होगा, दे थॉट, उन्होंने सोचा। ओके, सैड बैन, बैन ने कहा ठीक है। कम ऑन बैन, बैन आओ, ही सैड, एंड ही ट्रैक्ड आउट विद द पप्पी फॉलोइंग क्लोज एट हिज हील्स। जो पप्पी था वो आया और उसको पीछा करने लगा, उसकी पैरों की तरफ, उसके पैरों के पास चलने लगा साथ साथ में उसको। मम एंड डैड लुक्ड एट वन अनदर विद देयर ओपन देयर माउथ ओपन, और जो मम्मी और डैडी थे उन्होंने देखा वन अनदर एक दूसरे की ओर, अपना जो माउथ था उसको ओपन रह गया उनका, कि मतलब ये क्या था, उन दोनों ने बुलाया तो वो आया नहीं, और बैन के नाम से तुरंत आ गया। इन अ मोमेंट, कुछ ही मोमेंट में मैगडी एंड पॉली केम रनिंग बैक इनटू द रूम, और मैंडी एंड पॉली जो थी वो भी रूम में दौड़ कर आई। इट्स नॉट फेयर, यह गलत है, दे क्राइड, भी दोनों चिल्लाई। इट्स आर पप्पी टू यह हमारा भी पप्पी है। बट लेकिन इट्स जस्ट फॉलोइंग बैन, यह ओनली बैन की ही बात मानता है, बैन को ही फॉलो करता है। राउंड द गार्डन, और गार्डन में भी उसके चारों ओर घूमता है। एंड दे वॉन्ट टेक एनी नोटिस वैन वी कॉल हिम, लेकिन जो हम जब भी उसे बुलाते हैं वो हमारी तरफ नोटिस ही नहीं करता जब भी हम उसे बुलाते हैं। व्हाट डिड यू कॉल, आस्क्ड डैड, तुमने उसे क्या बुलाया, डैड ने पूछा। जेरेमी, सेड मैगडी, मैगडी ने कहा जेरेमी बुलाया। टॉबलर वन, सेड पॉली, पॉली ने कहा टॉबलर वन। ट्राई शेइंग बैन, बैन कहकर, मतलब बैन कहकर कोशिश करो, सेड मम, हमने कहा कि बैन कहो उसे तो वो शायद सुन लेगा। सो दे ऑल वेंट इन टू द गार्डन, वे सभी गार्डन में गए। एंड सो दे ऑल वेंट इन टू द गार्डन, वे सभी गार्डन में गए। एंड द टू गर्ल्स कॉल्ड बैन, और दोनों लड़कियों ने उसे बुलाया, बैन बुलाया। एंड द पप्पी केम रनिंग, जो पप्पी था वो दौड़ता हुआ आया। सी, देखो, सैड मम, मम्मी का, ही आंसर्स टू हिज नेम, वो आंसर दे रहा है ना अपने नेम से। इट्स गोइंग टू बी वेरी कन्फ्यूजन, सैड डैड, ये तो बहुत कन्फ्यूजन होता जा रहा है, पिता ने, डैड ने कहा। इनफैक्ट एज टाइम वेंट बाय, वास्तव में एज टाइम वेंट बाय, जैसे ही समय गुजरता गया, दे फाउंड इट वॉज वेरी यूजफुल टू हैव बोथ,
यह दोनों के लिए बहुत ही यूजफुल हो गया था। अ सन एंड अ डॉग विद द सेम नेम, तो दोनों के लिए ही बड़ा कन्फ्यूजन वाली बात थी कि जो सन था उसका भी नाम बेन है, बेटे का भी, एंड डॉग का भी नाम सेम नेम था, बिकॉज क्योंकि मैगडी एंड पॉली वर एट स्कूल, जो मैगडी और पॉली थी वो तो स्कूल में होती थी। बेन स्पेंट ऑल डे विद बेन एंड द सेम वर्ड सर्व्ड फॉर बोथ, तो जो बेन था वो अपना पूरा दिन बेन के साथ व्यतीत करता था और सेम वर्ड उनके लिए सर्व किया जाता, मतलब सेम वर्ड उन दोनों के लिए बोला जाता था, बी क्वाइट, चुप रहो। फॉर एग्जाम्पल स्टॉप्ड वन येलिंग एंड द अदर यैपिंग एंड बोथ केम व्हेन द नेम वाज कॉल्ड एंड सेट डाउन व्हेन दे ऑल ऑर्डर्ड एंड ईच लुक्ड इक्वली प्लीज्ड व्हेन टोल्ड व्हाट अ गुड बॉय व्हेन, तो क्या था इसमें, जब भी उनको बुलाया जाता, रुकने को बोला जाता तो वो भी रुक जाता और डॉग भी एंड कौन बॉय भी, और जब भी उनको बुलाया जाता तो दोनों आ जाते, जब भी उनको बैठने को बोला जाता दोनों बैठ जाते, मतलब जो भी उनको आदेश दिया जाता दोनों आदेश का पालन करते, जब वो खुश होता था तो दोनों खुश नज़र आते थे, मतलब दोनों के साथ क्या था सेम चल रहा था। तो जो व्हाट अ गुड बॉय बेन, कितने अच्छे हो बेन, एंड इंडीड वास्तव में बेन वाज अ गुड बॉय और रेदर अ गुड पप्पी, तो जो बेन था वो एक अच्छा लड़का था और जहाँ बल्कि जो पप्पी था वो भी बहुत अच्छा था। ही नेवर मेड अ मैस, उन्होंने कभी भी मतलब शरारत नहीं की, कभी कुछ मतलब किसी को भी तंग नहीं किया। ही नेवर च्यूड कर्टेन एंड कवर, उसने कभी भी जो कर्टेन वगैरह पर्दे वर्दे थे उनको कवर को कभी भी नहीं चबाया। ही एट वेल, उसने अच्छा खाया एंड ही स्लेप्ट साउंडली एट नाइट, और बहुत चुपचाप से रात में भी सोया और उसने रात में भी कभी किसी को तंग नहीं किया। एज वेल एज लर्निंग द ऑर्डिनरी थिंग्स, जैसे जैसे उसको चीज़ें सिखाई जाती देयर्स डॉग लर्न, तो उनको जो डॉग था वो लर्न कर लेता। ही टुक टू कॉपीज एवरी थिंग दैट द बॉय डिड, और वह हर चीज़ को कॉपी करता, जो भी जो लड़का करता था वो हर चीज़ को कॉपी करता। इफ बेन लाफ्ड, जब भी बेन हंसा, बेन वाग्ड, बेन भौंकता था, जो बेन डॉग था वो भौंकता। इफ बेन क्राइड, जब भी वह चिल्लाता तो वो भी घुर्राता। इफ बेन लॉस्ट हिज टेम्पर, जब भी वो बेन जो बॉय था उसको गुस्सा आता वह भी मतलब गुस्से में बहुत तेज से दहाड़ता एंड घुर्राता। एंड वन डे